नमस्कार मु संगीता आज गोटे बढ़िया रेसीपी शेयर करिया जाऊ छी जार नाम हो छी पनीर दो प्याज। पनीर दो प्याज बनेबा पई मु व्यवहार करू छी प्रथमे तो पनीर कहबी एठी आपण देखि परथबे हमर प्रगतिर पनीर रही छी आ मते दही भी लागिबे जेतु एठी रही छी प्रगतिर दही भी अछि ता सहित किछि बड़ कटा प्याज अछि ता सहित छोट छोट कटा प्याज अछि एठी अच्छी आमर रसुण पेस्ट एठी अच्छी अदा पेस्ट ये टमाटो अच्छी एठी तेल अच्छी एठी सब जितक मसला सब आम अच्छी कि गोलमरीच भी अच्छी तो ये आम प्रस्तुत करवा पनीर दो प्याज तो बर्तमान मु पनीर काटि दौर तेल गरम तो मुझे जीरा पक तो तेल आम ताती अच्छे जीरा सुखा लंका टिके गोटा मसला तेजपत्र सब एम पकईदे आम से पकेबा प्याज पकेबा टिके लंका गुंड पकेबा तापरे टिके आमे सेतरे टमाटो पकेबा आउ आपण माने जानी छथि जेतरे टमाटो आमे पके सल्ला परे आमे सांगे सांग लूनो पकेबा कैना टमाटो जल्दी हे जैते आउ प्याज रो भी कलर जल्दी चेंज हे जाय तो लूनो हमरो स्वाद अनुसार नेबा आउ एबे ताको गोले देबा भल भाव रे तो बर्तमान मु एक पटे गोटे पैन बसेली एबे आमे पनीर रो किछ प्रोसेस अछि मसला आउटे बनेबार अछि तो एबे पैन मु बसी छी पैन त ऑलमोस्ट गरम हे गलानी तो आमे एबे एथे कोन करिबा किछटा देखो जे एथि धनिया अछि आ हमरा धनिया अछि आ ता सहित पानो मदुरी अछि सहित मु किसीटा मेथी पकाऊँ आ गए आप देखते यार गोटे फ्लेवर पूरा अलग आसवे यूनिक स्मेल आस बहुत भल लगे पकड़े पनीर को भी ऐड करिबा तो पनीर पकेले हल्का गोटे आम टे हलदी गुंड जस्ट टे कलर से पकईदे आम को ऐसे बेसी जो कड़ा की भाजबार ना जस्ट टे स्मूथली भाजबार अच्छे आ
आमर से मसला होगा एवं मसलार आ गए मसला पड़े जो दही मु का रखी से दही एवं यूज हम दही रखी दही पड़े जीरा आमर धनिया रहा भजा है तार टेस्ट था टे मिक्स कर दूसरे भजा सरी जाए जो भाजी थी जो पनीर आज आटा मसला सब तो ये गैस टापटा बंद जाइए जेहेतु ये मसला रेडी होगा एम ए बाहर करदे गोलमरीच क्रश मान करी आपर ना भी चलो टी जो मैंने चटपटा खाते गोलमरीच दल टे राग फ्लेवर आस भल लगी था रेडी अलमोस्टला पनीर दो पिज पूरा रेस्टोरेंट टाइप देखते तो मुझे बटर पकाऊँ आप चाहिए बटर पक पकड़े बटर पकड़े कौन हुए ना रेस्टोरेंट भाया स्मेल आसी था आ छुआ मान को स्पेशली बहुत भल लगे से बटर टिके पकईदे भल लगे तो ये आम जेहेतु पूरा रेडीगला बस टी आम मेथी को क्रश करना एमती क्रश करना पकईद पनीर तो पिजा तो आपड़ ये भाया प्रोसेस बनातु निगे आप रेस्टोरेंट बस कि खाऊँ निहां मतलब कमेंट करके जुड़ा ये रेसीपीटा के लगे थैंक यू।